बॉलीवुड में बनते बिगड़ते रिश्तों के न जाने कितने किस्से हैं। कुछ मुकम्मल होकर शादी तक पहुंच गए और कुछ ने बीच रास्ते में ही अपने रास्ते अलग कर लिए। बॉलीवुड के इन्हीं कपल्स में से एक नाम है अभिनेत्री कियारा आडवाणी और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के प्यार का, जिनकी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जहां खबरें थी कि ये दोनों बहुत जल्द शादी रचाने वाले हैं, वहीं आज ये दोनों अलग दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ही नहीं है जो इस मुकाम तक आकर भी शादी के बंधन में नहीं बंध पाए, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में और भी ऐसे कई सितारे हैं जिनके प्यार के चर्चाएं तो हमने काफी सुनी, लेकिन वो शादी के बंधन तक ना पहुंच सके। इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ चुनिंदा सितारों से मिलवाने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं उन सितारों के बारे में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, करिश्मा कपूर एंड अभिषेक बच्चन। इस लिस्ट में पहला नाम शामिल है बॉलीवुड के स्टार करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन का, जिनकी लव स्टोरी की चर्चाएं पूरे बॉलीवुड में थी। करिश्मा और अभिषेक की मुलाकात फिल्म मृत्युदाता के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ और करिश्मा दोनों एक साथ काम कर रहे थे। इसी बीच अभिषेक भी शूटिंग पर आते जाते रहते थे और इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई। हालांकि उस समय करिश्मा कपूर बॉलीवुड की स्टार थी और अभिषेक बच्चन बॉलीवुड में आने की तैयारी कर रहे थे। अभिषेक और करिश्मा ने दोनों ने साथ में एक फिल्म भी साइन की, हाँ मैंने भी प्यार किया है, और दोनों की एक साथ काफी फिल्में देखने को मिली, जिसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बता दें, करिश्मा और अभिषेक बच्चन की सगाई तक हो चुकी थी, लेकिन सगाई के 5 महीने बाद ही ऐसी खबर आई कि उसे दर्शकों ने हैरान कर दिया, और वो खबर थी अभिषेक और करिश्मा की सगाई टूटने की। हालांकि सगाई टूटने की वजह इन्होंने मीडिया में कभी नहीं बताई। नंबर 2, दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बात करते हैं बॉलीवुड की डिंपल गर्ल यानी दीपिका पादुकोण और बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कहे जाने वाले रणबीर कपूर की, जिनके प्यार की चर्चाएं काफी लंबे समय तक सुनने को आई थी, जहां इन दोनों को एक मेकअप आर्टिस्ट ने मिलवाया था। इन दोनों में दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में कब तब्दील हो गई, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों ने एक दूसरे को काफी समय तक डेट किया और दोनों काफी खुश भी थे, लेकिन कुछ समय बाद अचानक से इन दोनों की ब्रेकअप की खबरें आए और इस ब्रेकअप की वजह दीपिका पादुकोण ने रणबीर के द्वारा दिया गया धोखा बताया। दीपिका पादुकोण का कहना था कि रणबीर उन्हें चीट कर रहे हैं, इसलिए मैंने रणबीर की जिंदगी से चले जाना ही ठीक समझा। नंबर 3, सलमान खान और कैटरीना कैफ। अब इस लिस्ट में बात करते हैं बॉलीवुड के खानों की खानिया ने सलमान खान और बॉलीवुड की मोस्ट गॉर्जियस एंड टैलेंटेड अभिनेत्री कैटरीना कैफ की। इनके रिलेशनशिप की खबरें पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री फैली हुई थी। दोनों काफी बार साथ में स्पॉट किए जाते थे, पर अजब प्रेम की गजब कहानी से कैटरीना कैफ का प्यार भी रणबीर कपूर की ओर खींचा चला गया, जिसके चलते सलमान खान से दूरी बनाती गई। धीरे धीरे इनकी ये दूरियां इतनी बढ़ गई कि दोनों का ब्रेकअप हो गया और इस ब्रेकअप से बॉलीवुड में काफी खलबली मच गई थी। नंबर 3, शाहिद कपूर एंड करीना कपूर। बॉलीवुड इंडस्ट्री की सुपरस्टार करीना कपूर और शाहिद कपूर के लव रिलेशंस की चर्चाएं भी कुछ कम नहीं थी। बता दें, शाहिद और करीना की मुलाकात साल 2004 में फिल्म फिदा की शूटिंग के दौरान हुई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बने और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इस वक्त तक करीना कपूर बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन बन चुकी थी, जबकि शाहिद इस इंडस्ट्री में नए थे। फिल्म फिदा तो पूरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन इनका प्यार सुपरहिट हो गया। दोनों काफी समय तक साथ रहे, दोनों एक साथ स्पॉट किए जाते थे, मगर अचानक इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, जिसने सबको चौंका डाला। इस ब्रेकअप पर करीना ने कहा कि फिल्म जब वी मेट से लेकर टशन तक कुछ ऐसा हुआ कि हमें अपने रास्ते अलग करने पड़े। नंबर 4, कंगना रनौत एंड ऋतिक रोशन। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में बात करते हैं बॉलीवुड के टॉप डांसर ऋतिक रोशन और बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री कंगना रनौत की। बता दें, क्रिश 3 में कंगना को कास्ट करने के लिए ऋतिक रोशन ने ही सजेस्ट किया था और यहीं से शुरू हुई उनकी सीक्रेट लव स्टोरी। शादीशुदा ऋतिक और कंगना को एक साथ क्रिश 3 के सेट पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया और अब इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। दिसंबर 2013 में ऋतिक सुजैन के डिवोर्स ने हर किसी को चौंका कर रख दिया, जिसके बाद ऋतिक ने कंगना रनौत को प्रपोज कर दिया, लेकिन अचानक बैंग बैंग की शूटिंग के बाद ऋतिक रोशन कंगना से दूरियां बनाते चले गए और कैटरीना और ऋतिक रोशन की क्लोजनेस की खबरें आने लगी और अचानक दोनों का ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह इनका आपसी मतभेद था।
वेल दोस्तों, आप इन सितारों के ब्रेकअप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।